कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर सोने के भाव बढ़ने लगे हैं। इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने की कीमतों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और वह डेढ़ महीने में सबसे महंगा हो गया है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना शुक्रवार को 1.1% चढ़कर $2,381 प्रति औंस पर पहुंच चुका है। इस तरह सिर्फ इसी सप्ताह में स्पॉट गोल्ड की कीमतें 2% ज्यादा बढ़ गई हैं। फ्यूचर ट्रेड में भी सोने की कीमतें तेज हो रही हैं। पूरे सप्ताह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना वायदा 2% से ज्यादा की तेजी के साथ $2,390 प्रति औंस तक पहुंच चुका है। घरेलू बाजार में भी सोना बहुत मजबूत है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार को वायदा कारोबार में सोना 0.93% महंगा होकर ₹73,038 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। यह डेढ़ महीने में सबसे उच्चतम स्तर रहा है। एनालिटिक्स का मानना है कि सोना जल्द ही अपने ऑल टाइम हाई लेवल को पार कर सकता है। गोल्ड का ऑल टाइम हाई लेवल $2,450 प्रति औंस रहा है, जो उसने इसी साल हासिल किया है। बता दें, पीली धातु के लिए स्थितियां अनुकूल लग रही हैं। फेडरल रिजर्व ने भी सोने के लिए सकारात्मक परिदृश्य तैयार किया है। अमेरिका में सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के द्वारा सितंबर में ब्याज दरों की कटौती करने की उम्मीद ठोस हुई है, जिससे कीमती धातुओं को मदद मिल सकती है। अगर एनालिटिक्स के अनुमान सही निकले और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा तो घरेलू बाजार में भी उसका असर देखने को मिलेगा, यानी आने वाले दिनों में सोना महंगा हो सकता है। वहीं बात करें देश के अन्य प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों के बारे में तो चेन्नई ₹73,740, कोलकाता ₹73,080, गुरुग्राम ₹73,230, लखनऊ ₹73,230, बेंगलुरु ₹73,080, ₹73,230, पटना ₹73,130, भुवनेश्वर ₹73,080 और हैदराबाद ₹73,080 24 कैरेट गोल्ड की रेट में चल रहे हैं। वहीं बता दें, 5 जुलाई के इंदौर के सराफा बाजार में सोने के भाव में ₹50 प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में ₹150 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। इसके बाद सोने की औसत कीमत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ₹72,350 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत ₹89,300 प्रति किलोग्राम हो गई है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।